जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहे। पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि ललन सिंह अपने पद से त्याग पत्र यानी इस्तीफा देने वाले हैं, वो रेजिग्नेशन देने वाले हैं, लेकिन लगातार ललन सिंह इन सारी बातों का खंडन करते हुए लगातार तभी से अब तक खंडन करते हुए आए हैं और लगातार इस बात का खंडन कर रहे हैं। वो लगातार यही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल एक है और एक रहेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे ललन सिंह, आप सुने। परामर्श कर लेंगे और परामर्श करने के बाद इस्तीफा में क्या क्या लिखना है वो भी आप लोगों से आग्रह करेंगे, ताकि आप लोग बीजेपी दफ्तर जाके उसका ड्राफ्ट वहां से ले लीजिए। इसलिए कि कोई मीडिया अब इस देश में, हम आप लोगों को दोष नहीं दे रहे हैं, आपको दोष हम नहीं दे रहे हैं, आप मजबूर हैं। आपके मैनेजमेंट जो है, आपका जो पूरा मैनेजमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव सेट करती है उस नैरेटिव पर आप लोग, आपका मैनेजमेंट आपको इंस्ट्रक्शन देता है, आपको फॉलो करना है, मजबूरी है, तो इसलिए हम आपको दोष नहीं दे रहे हैं। ये पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, नियमित बैठक है और नियमित बैठक में होती है, उसके लिए आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं, तो नैरेटिव जो सेट करना हो आप मैनेजमेंट से बात कर लीजिए और उनको कहिए कि भारतीय जनता पार्टी से बात करके जो नैरेटिव सेट करना हो करते रहे। जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।